नमस्ते। बिहार की कोविड ज़मीनी हकीकत देखने के लिए ग्राउंड पर निकले हैं और आपको लगेगा कि कोविड रिपोर्टिंग है तो खाने पीने की ये कचड़ी, लिट्टी, भूंजा, सत्तू, इसका दुकान पे क्यों बैठे हैं? जलपान कर रहे हैं क्या? नहीं, हम जलपान नहीं कर रहे हैं। हम जिस जगह पर बैठे हैं ये एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। गांव का नाम है सरौनी पुनर्वास और ये मधुबनी जिले के प्रखंड मधेपुर में आता है ये गाँव। ये पीछे ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये इसका अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र जो होता है APSC ये है। और इसका इस्तेमाल इस कदर नहीं होता स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कि जब आप रास्ते में खोजते टहलते पूछते हैं अगल बगल के लोगों से स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के बारे में तो उनको जानकारी ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कोई स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पड़ता है। तो इस तरीके से ये कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। और बिल्डिंग थी तो इन्होंने, इनका ये खोमचा था, पान बीड़ी इनकी दुकान थी, तो इसके बगल में ये इन्होंने छप्पर लगा के और अपना काम धंधा, ये कचड़ी वो सब बेचती हैं, ये भूंजा भूंजा सत्तू वत्तू इनका ये दुकान चलता है। और ऐसा नहीं है कि बाहर के प्रांगण में ही दुकान चलता हो, यहाँ उनका खाने वाने का सामान रखा है। तो अभी खुला था ना, बंद क्यों किया? खोलिए इसको, चाबी हाथ में आपके, चाबी लाइए, खुला था ना ये, खोलिए इसे। इसका भी चाबी था, ये भी बड़ा रूम हम देखे हैं, ये चाबी हम ट्राई करके देखते हैं। नाम क्या है आपका? क्या है नाम आपका? नाम क्या है? कुछ नाम है क्या आपका? कुछ है, देख लीजिए कुछ। आइए इधर आइए अमितेश जी। जी आप निकल जाओ बाहर। अहाँ के लेल नहीं छे, अहाँ नहीं डरू, अहाँ के लेल नहीं कह रहा छी, सरकार के काम काज के बारे में छे, अहाँ नहीं चिंता करू, अहाँ ले नहीं कुछ कह रहा छी हम। तो ये था PHC का टॉयलेट होना था इसको, है ना? ये देख रहे हैं, ये टॉयलेट वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो था, सीट, टॉयलेट सीट लगी हुई है, लेकिन अब इसी में इसको भर दिया गया है मिट्टी से। और इसी कमरे में ये चूल्हा रखा है, बड़ा छोटा चूल्हा है ये, यहाँ पे ये शायद कचड़ी, ये बचका बोलते हैं इसको, आलू का बेसन वेसन में लपेट के वो किया जाता है। यहाँ चाय वगैरह के लिए दूध रखी है, चीनी, चाय पत्ती, ये छोटा सिलेंडर, ये इधर प्याज लहसुन वगैरह, मतलब पूरी रसोई का सामान रखा। ये नहीं है दोषी, ये नहीं है, ये तो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार चाबी दीजिएगा, इसमें नहीं है कुछ, इसमें नहीं है। कटघरा है सर? कथी कटघरा? कौन कटघरा? हमारा दुकान था एक चार ने, यहाँ बंद रहता था, इसको देखते हैं मिट्टी इतना गहरा था, इनको भराए हैं ये। हम आपको कहा, इसका चाबी नहीं है जी, नहीं चल रहा है ये, इसका चाबी नहीं है। मुझे इसका साइज देख के लग रहा है, उसका चाबी जो मतलब मैडम के पास, वो क्या कहते हैं आंगनबाड़ी केंद्र वाले के पास है। भरा दिए जो भाई, यहाँ अगर खुलेगा, अगर रहेगा यहाँ पर तो भाई पेशेंट तो बैठेगा, नहीं बैठने के लिए बनाए, दुकान बनाए, लेकिन चलिए ठीक है, मिट्टी मिट्टी बनाए, कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, हम समझ गए कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा था, डॉक्टर नहीं आता था,
अगल बगल के इलाका के लोग को मालूम भी नहीं है कि ये अस्पताल है। कभी कोई विजिटिंग, कभी कोई स्वास्थ्य कर्मी, कोई एएम, वो जो एएनएम होती हैं, नर्स, वो भी नहीं कभी आई, तो किसी को पता ही नहीं है। उधर मधेपुर में चौक से उधर से पूछते हुए आइएगा पूरा उधर कि इधर कहाँ है स्थानीय, वो कहाँ है, क्या कहते हैं, स्वास्थ्य केंद्र किधर है, किसी को नहीं मालूम। अब पीएससी बोलते हैं, एपीएससी बोलते हैं, क्योंकि यही सारे टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। सरकारी अस्पताल बोलते हैं, छोटा वाला अस्पताल किधर है, जहाँ दवाई मिलता है वो कहाँ में मिलता है, अगल बगल में वो जो सरकारी वाला होता है। अब कई सारे कीवर्ड्स इस्तेमाल करके लोगों से पूछते हैं कि जो वो शायद समझते होंगे पर वो नहीं जानते, क्योंकि कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो यह है बिहार की सरकारी जो स्वास्थ्य तंत्र है वो इस तरीके से फंक्शन कर रहा है। ये स्ट्रक्चर्स बना दिए गए, इनका इनकी राशियां आवंटित हुई होंगी, ये बनकर तैयार हो गए। पता नहीं शायद कोई स्वास्थ्य कर्मी भी इसमें पोस्टेड हो, और लेकिन ना वो कभी, बल्कि स्थिति तो आपने देखी ली। तो पैसा भी ले, कोई किसी को देते हैं इसका? नहीं, पैसा उसा नहीं देते हैं किसी को, वैसे ही मतलब अपना जो है यहाँ है तो मतलब है खाली, तो गरीब आदमी क्या कहाँ जाए, अपना बेच रहा जब आएगा अपना। इतना जंगल, इतना गड्ढा है तो 5 टोराड़ी माटि गिराया है आपको व्यवस्था की किया लागै छी। हम अहाँ के लेल नहीं कह रहल छी, अहाँ जे बुझै छी जे हम अहाँ के लेल किछो कह रहल छी, हम अहाँ के लेल नहीं कह रहल छी, सरकारक बात छै, अहाँ नहि चिंता करू। अहाँ के नहि कोई अहाँ के अपराधी बना रहल है, तऽ इनको डर लग रहा है कि इन्हीं को बोल रहे हैं, नहीं इनको नहीं बोल रहे हैं, हम बार बार यही समझा रहे हैं कि नहीं है। उन्होंने तो यहाँ जंगल था, गड्ढा था, तो उन्होंने वहाँ पे मिट्टी भर दी था, उन्होंने सोचा चलो रोज़गार का ज़रिया मिल जाएगा। यहाँ इनकी छोटी खोमचा, यहाँ इनकी दुकान थी, उसके बगल में गुमती थी, और उसके ऊपर उन्होंने छप्पर लगा के बढ़ा बढ़ा के यहाँ पे चौकी लगा के ये बेच रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं। तो सवाल इनके ऊपर तो कतई नहीं है, सवाल तो यही है कि हमारी सरकारी, हम आपको दिखाते जाके बताते कि अरे देखिए ये 20 साल से ताला लटका हुआ है स्वास्थ्य केंद्र में, या यहाँ पर किसी 30 साल हम आपको बताते कि 20 साल से 25 साल से ताला लटका हुआ। आप कहते कितना दिखाओगे, एक ही चीज़ कितना दिखाओगे, जगह जगह का यही हालत है। तो हम आपको अलग अलग तस्वीर भी दिखा रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? बोलिए, क्या नाम हुआ? आफ्ताब आलम। आफ्ताब जी, आपके पास मास्क नहीं है जी? मास्क नहीं लगाते हैं? मधेपुर जो आपका है यहाँ पे तो बड़ा, ये तो हॉट स्पॉट हुआ ना मधुबनी में, सुने हैं इसी इलाका से शुरुआत हुआ था कोरोना का मार्च में, उधर से। तो ये तो मधेपुर में आता है ना जी? हमको लोग बताया कि यहीं से पूरा प्रखंड मधेपुर में क्या था, मधेपुर भाग ले, सीमाना अलग भाग ले, मधेपुर चच्चा बाबा, यो मधेपुर क्षेत्र, बाबा मधेपुर ब्लॉक भेल ने, गांव अलग है, ब्लॉक वे ने। हां ये बात है। कोरोना की होई छे सुनलिए? ये हमरा सब कोरोना को देखलिए कत छे या नहीं छे, कोरोना नहीं देख, हमरा सब मुसरी में कोनो छै, हम तो का को डोका खाइ छी आ बस रहै छी, हम तो बुझबे नहि करे कोरोना कत छे। वो कह रहे हैं कि उनको पता नहीं, उन्होंने देखा नहीं है कोरोना को कहाँ है, वो कांकुर डोका मिलता है, डोका जमीन के नीचे, उसका मांस खाते हैं। वो कह रहे हैं हम तो कांकुर डोका खाते हैं, हम नहीं देखे हैं। हम लोग तो बुझे नहीं कोई करता है कोरोना, ककरो भेले है एहन गाम में? नहीं हमरा गाम में ककरो नहीं भेले, की होय छे तो पता चले छे कोरोना भेले है? नहीं किछो नहीं, ककरो बुखारे नहीं लगे छे। अरे तो ओ ने ककरो बुखार कथी आ जे, ककरो बुखारो नहीं लगे छे, आने ककरो कोई अथी करे छे है, तो हम बुझबे बुखार ककरो लगे छे, ककरो बुखारो लगे आ माथो दुखाय तब ने, हमरा सबके किछो नहि छै। हम तऽ अपने पास ताक ताक कर्मीके सरहोचीके धारत ककरा दोकान खाइ छियै, बस अपना दिमाग से। तो कथी छै कोरोना इच्छा कि जे लोग कहै छै कोरोना, कोरोना की होइ छै कोरोना? नहि कोरोना का हम तऽ बुझबे नहि करै छियै किछो छै, नाम सुनै छियै ने, तऽ की छै कोरोना? आ से नहि कहब आब की छियै नहि छियै। ओ देखियौ एकटा भगवती अयलै तऽ 7 बहिन भगवती छै, तऽ कहलकै हमरा जे कहलहुँ बहुत मुँह झाँपै छै, एकटा भगवती छै, हाँ 7 बहिन भगवती छै, हाँ तऽ छोटकी छै तऽ ओ कहना बड़ी अथी छै, तऽ वएह कने मुँह झाँपि कऽ तब हमरे जे कहलक मुँह झाँपै छै, तऽ एहि दुआरे कहलकै कोरोना एकदम चालू भए गेल छै। तो पता नहीं कहानी कह रहे हैं कि भगवती 7 बहने हैं, भगवती छै, भगवती छै, कोई भगवती है मतलब कोई देवी है,
कोई देवी है तो उन कोई भगवती है, उनकी सात बहन है, वो सब देवियां हैं, वो सात देवियां हैं, उनमें जो सबसे छोटी हैं वो कुपित हो गई हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग मुंह ढक रहे हैं, तो उनको उन्होंने कहा देवी ने कि हम ही को देख के ढक रहे हैं मुंह, तो कह रहे हैं कि इसीलिए फिर अहिला फैल ले, इसीलिए जो उन्होंने लोग मुंह ढक लिया ना तो ऐसे फैलने लगा उनके हिसाब से। जागरूकता अभियान एक शब्द होता है, सरकारें जब पोलियो वगैरह के टाइम में आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन वगैरह आकर टीवी में रेडियो में जगह जगह प्रचार हुआ था कि क्यों लोग नहीं पिलाना चाहते थे। दुनिया में अभी भी कुछ देश हैं जहां पर लोग वैक्सीन्स को लेकर, हमारे यहां भी कई जगहों पर लोगों में उसके प्रति वो रहता है, शंकाएं रहती हैं, तो क्या करते हैं आप उनको इंगेज करने के लिए आप जागरूकता अभियान चलाते हैं, ग्रामीणों से उनकी भाषा में सरल ढंग से बताते हैं उनको, जगह जगह जैसे पंचायत हैं, पंचायतों को इन्वॉल्व किया जाना चाहिए था ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए, नुक्कड़ नाटक और कई तरीके की चीज़ें होती हैं जहां पे आप बताते हैं ऐसे, वो सोशल मीडिया और टीवी वाले बड़े बड़े कैंपेन से नहीं समझते हैं यहां ग्रास रूट के लोग, लेकिन देखिए कुछ नहीं हुआ। एक ना केवल स्वास्थ्य ढांचे के स्तर पर बल्कि जागरूकता भी फैलाने में हमने कितनी कोशिश की, कितना फंड किया, क्या डोर टू डोर कैंपेन किया गया, क्या इन इलाकों के लिए अलग से डिज़ाइन कैंपेन प्लान किए गए, उनको लॉन्च किया गया, देखिए कुछ नहीं है। 14 महीने का समय हो चुका है और अभी वो क्या समझ रहे हैं, लेकिन क्या इसके लिए इनके ऊपर हंसना सही होगा, क्या इसके लिए इनका मजाक उड़ाना सही होगा, क्या उससे समस्याएं हल होंगी? नहीं, वो अप्रोच गलत है क्योंकि हमको इनके दिमाग तक पहुंचना होगा। वो सुन रहे हैं वही जो इस इलाके में वो अगल बगल के लोगों से जो जागरूकता का स्तर है वो सुनते होंगे, तो उन्होंने कहानी बुनी है और वो उस कहानी में भरोसा करते हैं। और ये कितनी भीषण बात है कि ये कहानी कहती है, जो उनका मानना है कि मुंह ढक लिया इसलिए लोग, इसलिए देवी नाराज़ हो गई और ये बीमारी फैली है ना। तो यानी मुँह ढकना जो बहुत ज़रूरी है मास्किंग, उसके अगेंस्ट ये हैबिट हुई ना, उसके अगेंस्ट ये सोच हुई कि मुंह नहीं ढकना चाहिए, तो आप भेद नहीं पाए हैं उस दीवार को, है ना, आप नहीं पहुंच पाए हैं। तो स्वास्थ्य ढांचा ये है और जागरूकता के लेवल पर ये स्थिति है, तो आप तय करते रहिएगा। सरकार से सवाल पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, मुद्दा उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए, तय कीजिएगा। बाकी हम अपना काम कर रहे हैं। मेरा नाम स्वाति है, कैमरे पर मेरे साथ ही अमितेश हैं। शुक्रिया हमें देखने के लिए।